कदम राजा पांच बार लोमश ऋषि से देवी भागवत श्रवण करते हैं और उसके फलस्वरूप आपने सुना होगा कि 14 मनु में जो पंचम पांचवें स्थान पर जो मनु है वह रेवती एवं दुर्दम राजा की ही संतान है, जो आध्याशक्ति देवी भागवत श्रवण एवं नवाह यज्ञ के फलस्वरूप माँ जगत जननी की कृपा से दुर्दम राजा की संतान को मनुपद प्राप्त हुआ। शौनक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि माँ इतनी कृपा करती है और जो हमने अभी आपके मुख से श्रवण किया है और वेदव्यास जी ने जो इस देवी भागवत की रचना की है, तो इस देवी भागवत में कितने खंड व्यास जी ने बताए हैं, इस देवी भागवत में कितने श्लोक व्यास जी ने बताए हैं, कृपया कर सूत जी आप बताने की कृपा करें। तो सूत जी कहते हैं कि वेद व्यास जी ने इस पुराण में 18,000 श्लोकों का समावेश किया है। कितने श्लोकों का? 18,000 श्लोकों का समावेश किया है एवं इसमें 318 अध्याय के रूप में इसको वर्णित व्यास जी ने किया है और द्वादश स्कंद के रूप में पूर्णतया देवी भागवत वेदव्यास जी ने संपूर्ण इस संसार के कल्याणार्थ भाव से पंचम पुराण में इस देवी पुराण की रचना मां स्वयं आद्याशक्ति के आशीर्वाद से की है। और जो भी इस देवी भागवत का एक निमित्त मात्र भी श्रवण कर ले, आवश्यकता नहीं है 9 दिन आप पूरी कथा श्रवण करें, आवश्यकता नहीं है कि पूरे दिन आप कथा श्रवण करें, आप एक दिन के आधे दिन और एक दिन के चौथाई भाग या क्षण भंगुर भी कि कहीं देवी भागवत चल रही है और आप जा रहे हो और आप कुछ क्षण के लिए रुक गए और उस कथा का कोई प्रसंग आपके कानों में पड़ गया, उस कथा का कोई रस आपके कानों में पड़ गया तो आपके भोग और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो मात्र देवी भागवत ही एक ऐसी कथा है जिसके श्रवण मात्र से आप भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। इस कथा में आप अपने भोग की अभिलाषा लेकर के अगर बैठ जाते हैं कि मेरा खूब बड़ा भव्य मकान हो जाए, मैं खूब धनवान हो जाऊं, मेरा व्यापार ऐसा हो जाए, अगर इस मनसा से भी आप इस कथा में बैठ जाते हैं तो देवी इतनी कृपा करती है कि जो भी आपका भोग प्रयुक्त जो भी इच्छा आप लेकर के इस कथा में बैठे हैं वह कथा आपकी अवश्य, वह कथा श्रवण करने से वह इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण हो जाती है।